Hello, my dear students. Welcome to our platform, Learn India Everyday platform, run by Alkaru Karil Institute. I am Vaishnavi Chandelia, your English teacher. Going to continue your last topic that was present perfect continuous tense, which was remaining in your last video but before i start my topic i want to let you know about our platform el karu Career institute is a platform where 6 to 12 classes are conducted and apart from this need iit jee levels preparations are, are also conducted here so let's start our topic प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है इसको जानने से पहले आपको ये रिमाइंड करना पड़ेगा कि परफेक्ट टेंस क्या था प्रेजेंट परफेक्ट क्या था और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या था देन आफ्टर ही आप ज्यादा अच्छे से इसको समझ पाएंगे कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है आइए देखिए समझते हैं दिस टेंस इज यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट बिगिन इन द पास्ट बट स्टिल कंटिन्यूइंग एंड मे एक्सटेंड इन टू द फ्यूचर इसका मतलब ये है कि इसके अंदर वो एक्शंस आते हैं या ये उन एक्शंस के बारे में आपको बताता है जो शुरू तो पास्ट में हुए थे क्योंकि हमने परफेक्ट में पढ़ रखा है कि परफेक्ट में वो एक्शंस होते हैं जो जस्ट पास्ट में कंप्लीट हुए थे तो इसमें क्या होता है ऐसे एक्शंस आते हैं जो बिगिन तो पास्ट में हुए थे बट वो स्टिल कंटिन्यूइंग किस में है आपके फ्यूचर में है क्योंकि हमने पढ़ा था कि आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है आपके एक्शन कंटिन्यूस फॉर्म में चलते रहते हैं तो इसीलिए मैंने आपको ये बात बोली कि अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस समझना है तो आपको मेरी प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कंटिन्यूस की वीडियो देखनी पड़ेगी उसके बाद आप ज्यादा अच्छे से इसको समझ सकेंगे ठीक है इसमें हमने समझ लिया इतना कि इसमें वो एक्शंस आते हैं जो आपके पास्ट में तो शुरू हुए थे और कंटिन्यूस फॉर्म में चलते रहते हैं आपके फ्यूचर तक ठीक है अब हम आगे पढ़ेंगे इसमें हम कौन कौन से वर्ड्स का यूज करते हैं इसमें हम बेसिकली बच्चों सिंस और फॉर का यूज करते हैं आपने ये वर्ड सुने होंगे सिंस और फॉर का यूज कहाँ होता है तो जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताइए कि सिंस और फॉर का यूज कहाँ होता है ठीक है अब हम बात करते हैं सिंस इज यूज विथ पॉइंट ऑफ टाइम जब आप पर्टिकुलरली किसी पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं डेफिनेटली जब आप एक डिफाइन एक होता है ना आपका फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम जब आप उसकी बात करते हैं तो वो होता है आपका सिंस जैसे सिंस 2010, सिंस चाइल्डहुड कि 2007 से ऐसा हुआ है या 2007 से ऐसा हो रहा है या होकर है ऐसा कुछ इट डिनोट सम डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट टिल नाउ यूज किस लिए होता है कि जब आप एक डेफिनाइट पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बताते हैं जो कि शुरू तो पास्ट में हुआ था बट वो कंटिन्यूसली अभी भी आपके कंटिन्यूस uh, में फॉर्म में एक्शन में हो रहा हो तो आप यूज करते हैं सिंस का आगे हम इसको और अच्छे से समझेंगे उससे पहले हम समझेंगे अब फॉर का यूज कि फॉर का यूज कहां होता है सिंस का यूज आपका पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है फॉर का यूज देखिए क्या होता है फॉर इज यूज विथ अ पीरियड ऑफ टाइम जब आप पॉइंट ऑफ टाइम अलग है पीरियड ऑफ टाइम अलग है पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है जब आप एग्जैक्टली exactly किसी ऐसे पीरियड के बारे में बताते हैं जो पर्टिकुलरली एक टाइम एक के लिए एक ड्यूरेशन के लिए चलता रहता है वो होता है उसके लिए यूज होता है आपका फॉर जैसे फॉर वीक बोलते हैं हम लोग फॉर अ मंथ फॉर एन वीक ऐसा कुछ बोलते हैं ना तो उसके लिए आपका यूज होता है फॉर इट बेसिकली लेंथ ऑफ टाइम टिल नाउ मैंने अभी बताया ना ये आपका एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम होता है जिसमें आपका क्या होता है आपको लेंथ दी जाती है कुछ डेज की हो सकती है कुछ मंथ्स की हो सकती है जिसके लिए आप फॉर का यूज करते हैं फॉर एग्जाम्पल देखिए फॉर सेवरल वीक्स बहुत सारे हफ्तों के लिए फॉर many ईयर्स बहुत सारे सालों के लिए तो आपका फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज होता है आई होप आपको since और for का समझ में आया होगा अब हम एक, अगर हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के वर्ब फॉर्म की तो देखिए अब आपको मैं एक चीज याद दिलाती हूँ अगर आपको याद हो तो हमने प्रेजेंट परफेक्ट में क्या पढ़ा था बच्चों कि हमारा जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है उसमें है यूज होता है और आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो रही थी तो एक्जैक्टली exactly जैसे यहां पे दे रखा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो आप इस चीज से याद रख सकते हैं कि जब इसमें परफेक्ट का यूज हो रहा है और जैसा कि प्रेजेंट परफेक्ट पहले आ रहा है तो परफेक्ट की हम बेस फॉर्म या फिर आप बोल सकते हो परफेक्ट की हम वर्ब फॉर्म लें तो हैज हैजेब का यूज हो गया एक्स्ट्रा में बस आपने एक बीन लगाया है अदरवाइज आपने कंटिन्यूअस में पढ़ रखा है कि आपकी एस एम आर के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी यूज हो रहा था तो देखिए यहां पर भी वही हो रहा है वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ing यूज हो रहा है और लास्ट में आपने जो अभी पढ़ा सिंस और फॉर इसका यूज होता है तो हमने क्या सीखा कि हमारी जो वर्ब फॉर्म होती है वो कैसे होती है हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ing एंड लास्ट वन इन सिंस एंड फॉर और सिंस और फॉर अब अगर हम एग्जांपल की बात करें तो देखिए आई हैव बीन स्टडींग इन दिस स्कूल सिंस 2007 मैं इस स्कूल में 2007 से पढ़ रहा हूं या पढ़ रही हूं अब सिंस, सिंस का यूज़ किया हमने तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि वो कब से पढ़ रहा है पास्ट से उसके वो एक्शन स्टार्ट हुए हैं वो पास्ट में उसने स्कूल ज्वाइन किया था वॉट एवर जो भी कॉलेज कोचिंग जो भी है वो उसने पास्ट में ज्वाइन किया था पर वो कंटिन्यूसली अभी भी उसमें पढ़ रहा है या पढ़ रही है वो हमने कैसे पता किया क्योंकि उसमें हैव बीन का यूज हो गया आपका वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज हो गया और लास्ट में आपका सिंस यूज हो गया अब हम अगर बात करें आपके फॉर की तो देखिए द चाइल्ड हैज बीन क्राईंग फॉर 1 आवर बच्चा एक घंटे से रो रहा है तो ये क्या हो जाएगा देखिए चाइल्ड के साथ आपने क्या यूज कर दिया हैज बीन और काए के साथ आपने आईएनजी फॉर्म यूज कर दी और लास्ट में अपना फॉर यूज कर दिया तो इससे आपको क्या पता चल गया कि एक्शन तो 1 आवर पहले ही हो रहा है बट वो अभी भी कंटीन्यूअस फॉर्म में चल रहा है तो वो आपका हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस <coughs> तो हमने इससे क्या समझा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में वो एक्शंस आते हैं जो आपके पास्ट में स्टार्ट हुए हो, <coughs> इसको कट कर दोगे सर। सो हमने क्या समझा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आपके वो एक्शंस आते हैं बच्चों जो हुए तो स्टार्ट पास्ट में है बट वो क्या है अभी भी कंटिन्यूअस फॉर्म में चल रहे होते हैं एट प्रेजेंट टाइम में जैसे आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हो तो हो सकता है आपने वो स्कूल बहुत टाइम में आपके चाइल्डहुड से उसमें आप आ, पढ़ रहे हो तो आप बताते हैं ना अपने फ्रेंड्स को कि मैं इस स्कूल में अपने चाइल्डहुड से पढ़ रहा हूं तो वो एक्शंस आपके कौन से टेंस में आएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्यों क्योंकि आपने वो स्कूल बचपन में आपके चाइल्डहुड में ज्वाइन किया था जो कि आपका पास्ट है और आप उस स्कूल में अभी भी पढ़ रहे हैं जो कि अभी आपका क्या है प्रेजेंट है और आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हैं तो पास्ट एक्शन प्लस प्रेजेंट कंटिन्यूअस एक्शन क्या हो जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दैट्स इट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो आई होप यू विलई वीडियो एंड योर Uh, जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे इस को लेके थैंक यू सो मच